दोस्तों आपको बता दें, फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। 26 अक्टूबर को तौसिफ नाम के आरोपी ने निकिता को गोली मार दी थी। ये दिल दहलाने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और इसी की मदद से आरोपी को पकड़ा भी गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने निकिता को मारने की साजिश सीरीज मिर्जापुर देखने के बाद रची थी। जी हाँ, मिर्जापुर में मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंद्र शर्मा भी एक तरफा प्यार में एक लड़की यानी कि स्वीटी श्रेया पिलगवांकर को गोली मार देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। सीरीज का वो सीन देख आरोपी तौसिफ भी प्रेरित हो गया था और उसने निकिता को गोली मार दी। वो भी निकिता से शादी करना चाहता था। इस खबर के सामने आते ही एक्ट्रेस कंगना रनौत का बॉलीवुड पर गुस्सा फूट पड़ा है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड ने अपराध का महिमा मंडन किया है। ट्वीट कर कंगना रनौत इस मामले पर नाराजगी व्यक्त की है। कंगना ने लिखा है, ऐसा ही देखने को मिलता है जब आप अपराध का महिमा मंडन करते हैं, जब अच्छे दिखने वाले लोग ऐसे नकारात्मक किरदार निभाते हैं। हैरानी ये है कि उन्हें कभी भी विलेन नहीं बल्कि एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाता है। बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए जो भलाई से ज्यादा नुकसान कर रहा है। कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जिस मिर्जापुर को दर्शकों का इतना प्यार मिला हो उसको लेकर अब जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो सभी हैरान रह गए हैं। सोशल मीडिया पर एक तबका लगातार मिर्जापुर के बैन करने की मांग कर रहा है। वैसे सीरीज के सिर्फ किरदारों को लेकर विवाद नहीं है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज के जरिए मिर्जापुर की छवि को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये एक ऐसा आरोप है जो पहले सीजन पर भी लगाया गया था, लेकिन अब तो एक आरोपी ने मिर्जापुर देख हत्या की साजिश रची है। ऐसे में मेकर्स के लिए भी ये बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।